सो समर एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस लीडरशिप इन चिल्ड्रन आर दीस दिस क्वालिटीज कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स वन ऑफ देम इज़ ब्लाइंड फोल्डिंग द ग्रुप मेम्बर्स मतलब आप क्या करते हैं कि आप बच्चों के ग्रुप में uh, जो लीडर है उसको आप किसी एक बच्चे को लीडर बना लेते हैं और बाकी के सारे बच्चों की आँखें बंद कर देते हैं आँखों पर पट्टी बांधते हैं अब जो लीडर है वो उन बाकी बच्चों को गाइड करेगा कि वो क्या कहाँ जाएं क्या करें कुछ एक्टिविटीज़ या कोई रास्ता या वो कौन किसी से टकरा नहीं जाएंगे उन्होंने किस तरह से वो डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ करने पे मसलन आप वो अपनी लेन में चल रहे हैं या किसी टॉय को पकड़ना है या कोई ख़ास समत में जाना है तो वो जो लीडर है वो उनको गाइड करेगा वो उनको बताएगा कि वो क्या करेंगे और अगर वो बच्चा गलती करता है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो इसका जिमेदार हमारा लीडर बच्चा होगा इसका मतलब ये है कि इस तरह से बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा होती है कि उनको दूसरों को गाइड कैसे करना है अगर दूसरे नहीं देख पा रहे तो उनको कैसे उनको हिदायत देनी है ताकि वो सही समत में चले जाएं या जो सही काम है मसल बॉल रखी हुई कहीं पे कॉर्नर में और वो ब्लाइंड बच्चा जो जिसके ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है उसको वो बताएगा कि उसने कहाँ जाना है थोड़ा सा दाया मुड़ो बाया मुड़ो सीधा जाओ हाथ ऊपर करो नीचे करो ये सारी एक्टिविटीज़ जो वो उसको बता रहा होगा ख़ुद भी उसके अंदर इनकलकेट होती हैं कि मुझे कुछ भी करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होगी और चीज़ों को लॉजिकली देखने की ज़रूरत होगी सो एक, एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो लीडर कैसे बने और फिर एक सेंस ऑफ लीडरशिप भी उनके अंदर पैदा होगी कि चूँकि दूसरे नहीं देख पा रहे और वो देख पा रहे हैं इसलिए वो उनको बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं तो कल को रियल लाइफ में ये एक अच्छी उनके अंदर सेंस पैदा होगी कि जब दूसरों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वह खुद कैसे उनको उनकी रहनुमाई कर सकते हैं फिर हम उनको ये कहते हैं अगली एक्टिविटी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है कि हम उनको दूसरे बच्चों के जो एक ग्रुप है उस ग्रुप में हर बच्चे के साथ बात करने का मौका दें किस पर सिमिलैरिटीज़ पर और डिफरेंसेस पर वो फिज़िकल भी हो सकती हैं और वो एकेडमिक भी हो सकती हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में भी हो सकती हैं मसलन आ, मैं लड़का हूँ और आप लड़की हैं और आप आ, आपके बाल फ़लां तरह के हैं मेरे बाल फलां तरह के हैं मेरा ड्रेस येलो है आपका ड्रेस ब्लू है और ये कि आपको क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद है और ये कि मैंने कौन कौन सी जगह देख रखी हैं आपने कौन सी जगह देख रखी हैं वो इस तरह से जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो सोशल डिफरेंसेस हैं और जो फिज़िकल डिफरेंसेस हैं उनको वो पॉइंट आउट करेंगे लेकिन इसका जो जिसट है वो ये नहीं है कि वो इन डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे बल्कि वो जो जो डिफरेंसेस होंगे उनको अकोमोडेट करना सीखेंगे उनको बताया जाएगा कि ये सब होने के बावजूद भी वो आप ही जैसा बच्चा है और उसकी भी इसी तरह से ख्वाहिशात हैं और इसी तरह से उसकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसकी प्रेस्टीज है उसकी अनाह है उसको भी लगता है वो आपकी चीज़ें दोहराएगा आप उसकी चीज़ें दोहराएंगे फिर जो उनके अंदर मुश्तरक होगा वो भी निकालेंगे अच्छा मुझे भी ये पसंद है तो आपको भी मैं भी घर में मेरी माँ भी घर में नाश्ता इस तरह का बनाती हैं और आपकी माँ भी घर में इस तरह का नाश्ता बनाती हैं तो अब ये क्या होगा कि सिमिलैरिटीज़ को भी हम साथ लाएंगे और डिफरेंसेस को भी हम साथ लाएंगे तो होगा ये कि बच्चे दोनों चीज़ों की रेस्पेक्ट करना सीखेंगे और जो वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे और आने वाले दिनों में माशरे के जो मुख्त तबक के लोग हैं उनके फ़र्क को कम करने में हमें मदद मिलेगी क्योंकि बच्चे शुरू से अभी नहीं जानते वो रंग के ऊपर बात कर सकते हैं वो आ, बच्चों के कुछ वो कहते हैं न हैव्स और हैव्स नॉट पे बात कर सकते हैं कि किसके पास क्या है क्या नहीं है अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे अपने घर की चीज़ों को बोस्टिंग करते हैं मेरे घर में तो गाड़ी है मेरे घर में तो फलां चीज़ है मेरे अब्बा तो ये काम करते हैं आपके अब्बा तो ये काम नहीं करते सो so, इन्हीं डिफरेंसेस को अगर रिस्पेक्टफुली साथ बयान किया जाए और बताया जाए टीचर या एजुकेटर या वालदेन बच्चों को प्रैक्टिस कराएँ कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तफ होता है और उसकी डाइवर्सिटी की हमें एक्सेप्टेंस करनी है उसकी रेस्पेक्ट करनी है और हमें उसको भी अपने जैसा इंसान समझना है क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सलाहियतें मौजूद हैं वो भी कोई ना कोई काम अच्छा कर सकता है तो जब हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात करेंगे तो हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात भी करेंगे सो so, हमें बच्चों के अंदर इस तरह से एक होमोजेनियस कल्चर जो है वो पैदा करना है और ये लीडरशिप का जिस्ट है